The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, coronavirus ka naam aapne suna hi hai, aap jante hain, aap dar rahe hain. Kai sare dil mein जज्बात आ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, कहीं आपको हो जाएगा तो क्या करेंगे, बच्चों को होगा तो क्या करेंगे, बूढ़ों को होगा तो क्या करेंगे, माता पिता को होगा तो क्या करेंगे. ये बहुत जाहिर सी बात है कि ये कोरोना वायरस, कोविड 19 बीमारी, उसका डर, जिसे हम कोरोना फियर भी कह सकते हैं, ये हर एक को इमोशनली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा उन लोगों को जिनका कोई एक्चुअली में बीमार है, जिनका कोई एक्चुअली में लड़ रहा है आईसीयू में कोरोना वायरस से, जिनका कोई एक्चुअली बच नहीं पाता. तो आपको सबसे पहले, अगर उस सिचुएशन में नहीं हो, तो ये समझना है कि ये एंजाइटी है या एक्चुअली कुछ और बीमारी है. क्योंकि ये डर भी सिम्टम पैदा कर सकता है, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स. और ये डरावना टाइम है और इतने सारे लोग बैठे हैं आपको डराने के लिए. हर एक न्यूज चैनल में डरावने म्यूजिक से चालू होने वाला न्यूज देख देख के आप डरते हो, हर मिनट न्यूज देख देख के आप डर रहे हो. तो आपको समझना होगा कि ये वर्ल्ड वाइड पैनिक है. दुनिया के काबिल से काबिल डॉक्टर, काबिल से काबिल लोग इस पे लगे हुए हैं. और ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हो और वो नहीं कर सकते. सो सबसे पहले आपको सुननी किसकी है वो इम्पोर्टेंट है. सबसे बड़ा स्टेप है इसमें कि आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. स्टे इन्फॉर्म्ड. सो स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब नहीं है कि न्यूज़ देखते रहो. जी नहीं, हमेशा न्यूज़ नहीं देखते रहना है. इट इज़ वाइटल टू स्टे इन्फॉर्म्ड, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू ट्रस्ट वर्दी सोर्सेस सच एज CDC, WHO और आपकी लोकल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर अथॉरिटी, यानी जो MOH है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर. इनकी वेबसाइट्स दी हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 1075. इनके लिए एक नंबर भी आ गया है व्हाट्सएप पे जानकारी लेने वाला. तो दूसरे तीसरे लोगों से जानकारी मत लीजिए. पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, क्योंकि दूसरे तीसरे लोग आपको 10 में से 5 बातें गलत बताएंगे, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, और 10 के बाद 15 बातें एक्स्ट्रा बताएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है, लिमिट योर लिमिट हाउ ऑफन यू चेक फॉर अपडेट्स. हर दिन एक एक घंटे में अपडेट मत चेक करो, हर रोज, राइट? ये बहुत दिक्कत करेगा. सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर चीज पे जब ये चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अपडेट्स बंद करना. इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी फीलिंग्स पे, अपने अंदर चल रहे जज्बात पे भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना, अपने शरीर पे ध्यान देना है. तब जाके आप कोप कर पाओगे, तब जाके इससे उभर पाओगे, तब जाके इससे जीत पाओगे. सो स्टेप अवे फ्रॉम, ये थर्ड स्टेप है. पहला स्टेप है रिलायबल सोर्सेस को देखिए, कितनी बार जाके देख रहे हो उसको लिमिट करिए. और थर्ड स्टेप है मीडिया से दूर हटिए, स्टेप अवे फ्रॉम मीडिया. इफ यू स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं देखा जा रहा, ये क्या हो रहा है दुनिया में, सो आप बहुत ज्यादा देख चुके हो, तब आपको नहीं देखना. हो सकता है आप गलत देख रहे हो सकता है आप ज्यादा देख रहे हो. तो कह नहीं सकते कि क्या हो रहा. और अगर इतना हो गया है तो अब आप किसी रिलायबल सोर्स से कहो, किसी रिलायबल पर्सन से कहो, किसी रिलायबल संबंध से कहो जो आपके, आपकी जिंदगी में है, कि वो आपको अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताते रहे, ताकि आप कुछ मिस ना करो और छोड़ दो देखना. अगर आप स्ट्रेस से स्ट्रेस को हैंडल करना चाहते हो तो यह जरूरी है. और सबसे जरूरी है, ऐसे ही किसी और से शेयर करने से पहले बी केयरफुल, पहले खुद से वेरीफाई करो कि ये जो सुन लिया है ये सच भी है.
कि बस सुन लिया है। जरूरी नहीं होता कि किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो वो सच ही होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें जो मेडिकल फील्ड की है वो मेडिकल को पता है, दूसरों को नहीं। और आपको फोकस करना है ऐसी चीजों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर सकते हो आपके घर में क्या हो रहा है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते दूसरे देशों में, दूसरे शहर में, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आप क्या कर सकते हो, आपका हाथ धोना, आपका अपने आप को टच करना, अपने घर में सफाई रखना, बाहर नहीं जाना, सारे घर के सामान सही रखना, घर में पानी खाना पीना सही से लाना, उस पर ध्यान दो, राइट। और अगर फिर भी दिमाग में चीजें चल रही है तो लिखो, लिखना शुरू करो कि क्या चल रहा है दिमाग, जो भी वरी है, जो भी टेंशन है, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। स्पेसिफिक वरीज कोरोना वायरस की, दूसरे किसी चीज की, घर की, फैमिली की, जो भी चिंता है लिखनी शुरू करो। और उसके बाद लिखना शुरू करो पॉसिबल सॉल्यूशंस, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, देन पॉसिबल सॉल्यूशन। यू विल नो कौन सा पॉसिबल सॉल्यूशन परफेक्टली मैच करता है, पता चल जाएगा। कंसंट्रेट करो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ना कि और क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसे सिचुएशन में। अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो और फिर एक प्लान बनाओ कि भाई ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, अपने भरोसेमंद लोगों की मदद ले सकते हो। और दूसरी सबसे जरूरी बात है, कनेक्टेड रहो दूसरों से। आई नो आप घर में हो, बंद हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी से, अपने दोस्तों से फोन पे बात नहीं करनी है। फोन पे बात करो, कनेक्टेड रहो, यंग लोग, हेल्दी लोगों से, पॉजिटिव लोगों से कनेक्टेड रहो, और नेगेटिव लोगों को बीच बीच में आश्वासन देते रहो। ये दुनिया अपनी है, सबको संभालना है, इसलिए करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी और दूसरों की एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन, उसको सहारा देना होगा। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से टच में रहिए। अपने सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, उसको अपने फैमिली वेलफेयर से कनेक्टेड रहने में, लोगों की सही जानकारी पाने में और सही जानकारी फैलाने में इस्तेमाल करें, गलत नहीं। गलत जानकारी बहुत आसानी से फैल जाती है, बहुत आसानी से फैल जाती है। इमोशंस आर ऑल्सो वेरी कंटेजियस, सो इसीलिए इमोशनल, अपने इमोशनल सेल्फ को, अपने इमोशनल पार्ट को ब्रेक दीजिए बीच बीच में, रिलैक्स करिए। और सबसे जरूरी चीज है अपने बॉडी और अपने स्पिरिट का ध्यान दीजिए। अपनी सेल्फ की पॉजिटिव स्पिरिट जिंदा रखनी है, अपनी बॉडी का ध्यान देना है, अपने शरीर का ध्यान देना है, मतलब अपने ऊपर थोड़ा आराम से, बी काइंड टू योर सेल्फ, यस, बट डोंट बी ओवर काइंड, कि बेड से उठ ही नहीं रहे, बेड से उठ ही नहीं रहे, या घर का सारा ही काम करे जा रहे हैं, आज तक आदत नहीं, आज ऐसी तैसी कर ली, वैसा भी नहीं करना। एक रूटीन बैठाइए कि ये करेंगे, ये करेंगे, तुम ये कर लो, मैं ये कर लूंगा। अपनी खुद की एक्टिविटीज जो आप इंजॉय करते हो उसके लिए समय निकालो। सिंगिंग करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, बच्चों के साथ लूडो सांप सीढ़ी खेलो, घर के अंदर छुपन छुपाई खेलो, कुछ भी खेलो, टिकटॉक बनाना है टिकटॉक बनाओ, एक्टिविटी करो जो आपको पसंद है। थोड़ा अगर घर में ही पेड़ पौधे हैं, नहीं है तो जब बाहर जाओगे खरीद लो, पेड़ पौधे नहीं तो कम से कम घर में रखो, है तो बहुत अच्छा, उसके पास थोड़ा समय बिताओ। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालो, तरीके निकालो। घर में जिम नहीं है तो डंड बैठक मारो, उठक बैठक मारो, जंपिंग करो, जैसे मर्जी करो, स्किपिंग करो, गाने लगा के डांसिंग करो, दरवाजे पकड़ के उठक बैठक कर लो, कुर्सी पे उठक बैठक कर लो अगर नहीं हो रहा तो, बेड पे लेटे लेटे कर लो, प्लैंक्स कर लो, क्रंचेस मार लो, जो मर्जी कर लो, पर एक्सरसाइज करो। सेल्फ, खुद से कोई भी दिक्कत हो तो बिना डॉक्टर से बात करे सेल्फ मेडिकेशन मत करो। अभी डॉक्टर्स भी कम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कोई भी दवा ले लेंगे। हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें, सलाह लें, नहीं तो अपना कोई भरोसेमंद डॉक्टर है उससे बात करें। और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस अपनाएं, सबसे जरूरी है डीप ब्रीदिंग।
लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करें जब भी टाइम मिले, पर्स्ट ब्रीदिंग करें अगर अगर आपको हाफ रहे हो, जल्दी जल्दी नहीं, लंबी लंबी और मुंह पर्स्ट ब्रीदिंग, पर्स्ट ब्रीदिंग से आराम मिलता है। और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीजों पे ध्यान दें। अब अपने शरीर के, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, कीर्तन पाठ इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दें, सब ठीक हो जाएगा। जो आपके कंट्रोल में है वो करें। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को रीच आउट करें जो कर रहे हैं, डॉक्टर्स की मदद करें, गवर्नमेंट की मदद करें, गरीबों की मदद करें, गाइडलाइन जो दी गई है आपके एरिया में वो फॉलो करें। अगर कहीं पे फूड बैंक मिल रहा है फूड डोनेट करें, अपने इन्फ्लुएंस को रिलैक्स करके कामिंग रखें, अपना इन्फ्लुएंस डरावना मत रखें, डराने वाले लोग डरा रहे हैं, आप कम से कम ऐसा ना करें। दूसरों से सहानुभूति से बात करें, बी काइंड टू अदर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नीड ऑफ द आवर, वरना कई लोग सिर्फ डर से मर जाएंगे। प्लीज इतना करें।